Hey, what's up guys, this is Komal. Welcome to Let's Grow YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड लेआउट के बारे में. इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें पहले देखी थी उन सबको हम इसी वीडियो में यूज़ करेंगे. जैसे कि आता है ग्रिड गैप, ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिलेटेड मैंने बनाई थी, वो सबको मैं एक इसी वीडियो में यूज़ करूँगा एक लेआउट क्रिएट करके. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ग्रिड लेआउट 2 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है. मैं इसको ओपन करता हूँ. ओपन विथ कोड एडिटर. और अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से, index.html. और एक दूसरा फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको नाम देता हूँ style.css. अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया और ये HTML का स्ट्रक्चर ओपन हुआ. या मैं CSS फाइल को भी लिंक करता हूँ, लिंक style.css. और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक मेन डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास मेन प्रोवाइड करता हूँ. और उसके बाद डिव डॉट आइटम ये एक शॉर्टकट है, इसके ज़रिए हम जितने चाहे उतने ही आइटम, उतने ही डिव, उतने ही स्पैन क्रिएट कर सकते हैं. या फिर जो मेरा मेन आइडिया है वो एक ऊपर मुझे एक हेडर क्रिएट करना है और उसके नीचे 3 डिव और एक साइड बार के लिए एक डिव और उसके नीचे मेन सेक्शन के लिए एक डिव और नीचे फुटर के लिए एक डिव. ये सारे 7 डिव हो गए. अब मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, ये मेरा हेडर होगा, ये एक मेरा साइड बार होगा, ये एक बॉक्स 1 होगा, बॉक्स 2 होगा, ये बॉक्स 3 मेन सेक्शन, ये मेरा मेन सेक्शन होगा और आखिर में जो आइटम 7 है वो फुटर होगा. इन डिव की जगह मैं हेडर का भी यूज़ कर सकता था, फुटर का भी यूज़ कर सकता था और सेक्शन का भी यूज़ कर सकता था, मगर मैं इस वीडियो में डिव्स के साथ ये क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा. आने वाली वीडियो में हम इसे हेडर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप आइटम 1 है उसको हेडर में कन्वर्ट करेंगे, आइटम 7 को फुटर में और जो आइटम 6 है उसको में सेक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे. अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को पैडिंग और मार्जिन 0 कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स. और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आइटम 1 को सेलेक्ट करता हूँ और इसको तो कुछ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ. इसको मैं इसका कलर वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, बस इतना ही. और इसके बाद मैं आइटम 2 को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका रेड होना चाहिए. अब मैं इसको फाइल फाथ कॉपी करता हूँ,
फिर गूगल क्रोम में इसे ओपन करता हूँ। इसका कलर भी मैं थोड़ा सा वाइट करता हूँ। रिलोड, हाँ ये अब ठीक है। और सेम टू सेम मैं आइटम 3 को भी कुछ स्टाइलिंग देता हूँ। सॉरी, इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ। जैसे कि इसी में तो ब्लू देता हूँ, ब्लू कलर, और इसकी कलर वाइट होनी चाहिए। और अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा, तब तक मैं आइटम 7 तक इसे ले जाता हूँ इसकी स्टाइलिंग। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर को मैंने ब्लैक कलर दिया, और इसी तरह साइड बार को एक रेड कलर दिया है। और यहाँ पे सारे कलर आप देख सकते हो मैंने जो जो कलर का यूज़ किया है। अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ कि ये डिफाइन करता हूँ कि मुझे कितने कॉलम चाहिए और कितने रोज चाहिए। सबसे पहले मैं इसका जो फेरेंडियो है उसको सेलेक्ट करता हूँ, जिसका नाम था, जिसका क्लास था मेन। मैं मेन को सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले ही मैं इसे डिफाइन करता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रिड। और नेक्स्ट हमारा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसके ज़रिए हम ये डिफाइन करते थे कि हमें कितनी कॉलम चाहिए। यहाँ पे मेरा जो आइडिया है उसमें 4 कॉलम चाहिए। वो मैं सबसे पहले 1 FR 1 FR की कॉलम क्रिएट करता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट है वो उसका नाम है ग्रेट टेम्पलेट्स रो, ग्रेट टेम्पलेट रो। इसमें मैं ये रो डिफाइन करता हूँ कि मुझे रो कितने चाहिए। इसमें मुझे 1 FR की, 1 FR की, 1 FR। ये FR के बारे में भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। ऊपर आई कार्ड पर आपको दिख जाएगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। और अब जो मेरा मेन काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी सी बॉडी को विड्थ ऑटो प्रोवाइड करता हूँ और हाइट 100 VH। रिलोड, और सेम टू सेम मैं यहाँ भी विड्थ को ऑटो करता हूँ और हाइट को 90 VH। रिलोड, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 FR, 2 FR, 2 FR, 2 FR ये कुछ वैल्यू डिफाइन की हैं, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह है। और जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं इसकी मैक्स हीट और हटाता हूँ और मिनिमम हीट भी हटाता हूँ। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको एक और आइटम प्रो एक और क्लास प्रोवाइड करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ या भी मैंने इसको एक और क्लास प्रोवाइड किया, आइटम
इसके बाद मैं थोड़ी सी इसको इसकी आइटम क्लास को विड्थ और हाइट प्रोवाइड करता हूँ। विड्थ ऑटो, हाइट भी ऑटो। ये इसका फ़ायदा ये था कि अब मुझे आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर ही थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा इसे रिलोड करता हूँ तो हाँ। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो जो हेडर है वो जो ऊपर की तरफ साइड है वो कम लेफ्ट से लेकर राइट तक कंप्लीट अपनी जगह ले ले। मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये जो हमारा हेडर था वो आइटम वन है। इसको मैं इसमें ग्रिड एरिया का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ। इसमें मैं यूज़ करूँगा ग्रिड कॉलम, ग्रिड रोज का ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट तरीका है। अब सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि इसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे इसका कॉलम एंड होना चाहिए। अब मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो इसका सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं। इसका कॉलम वन, इसकी जगह पे हम एक और काम कर सकते हैं, वन और माइनस वन। जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस वन का लिखने का फ़ायदा ये है कि ये माइनस वन का मतलब है कि ये अपनी जो सबसे एंड वाला कॉलम 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 एंड है या कॉलम रो एंड है उस तक ही ये वो पहुंच जाए। माइनस वन का मतलब ये है। और जो हमारा नेक्स्ट है इसे मैंने रिलोड किया है तो ये अब सही हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो थोड़ा सा हम इसका रो वन से स्टार्ट होनी चाहिए और टू पे एंड होनी चाहिए। इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी मगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है साइड बार। साइड बार हमारा नीचे होना चाहिए यहाँ से लेकर और ये जो हमारा मेन सेक्शन है यहाँ तक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कॉलम पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे मैं आइटम टू को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेट कॉलम इसका टू से स्टार्ट होना चाहिए और फोर पे एंड होना चाहिए। टू से स्टार्ट एंड फोर पे एंड। रिलोड, सॉरी मैं मुझे रो करना था, रो रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये भी थोड़ा बहुत हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे हैं जैसा मैं चाहता था। अब मैं इसमें एक और काम करता हूँ। ये जो हमारा मेन डिव है या पेरेंट डिव है इसको मैं थोड़ी सी ग्रिड गैप भी देता हूँ। ग्रिड गैप, इसको मैं 20 पिक्सल की ग्रिड गैप देता हूँ। रिलोड करता हूँ ताकि इनके दरमियान गैप आ जाए। और अब मुझे मेन जो हमारा मेन सेक्शन है इसको ये एंड तक ले जाना है। हमारा मेन सेक्शन कहाँ पे है? आइटम सिक्स। मैं आइटम सिक्स तक जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम सिक्स है। इसकी मैं ग्रिड कॉलम, मैं इसकी ग्रिड कॉलम चेंज करता हूँ। ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन से लेकर माइनस वन तक। यहाँ पे हम 5 भी यूज़ कर सकते हैं मगर मैं ये क्या हो सॉरी वन से नहीं टू से लेकर रिलोड। हाँ ये हमारा ये भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट है
वो है फुटर का। फुटर मैं इसकी थोड़ी सी ग्रिड कॉलम भी यूज़ करता हूँ, ग्रिड सॉरी ग्रिड रो का, ताकि ग्रिड रो में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैं इसकी 3 से लेकर 4 तक इसकी 3 से लेकर 4 तक इसकी रो होनी चाहिए। अब हमें इसकी फुटर की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ, जिसको मैं ग्रिड कॉलम 1 से लेकर -1 तक रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर चीज़ अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ गई है, और ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे मैं इसके विड्थ डिक्रीज करता हूँ तो ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मीडिया क्वेरी का भी यूज़ करेंगे, और भी हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये है इसको मैं ग्रिड एरिया में लिखना चाहता हूँ। ग्रिड एरिया सबसे पहले मुझे रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, सॉरी रो एंड तो 2 पे हो रहा है। ये इसके बारे में मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ग्रिड के प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ ग्रिड आइटम 2 का, टू से स्टार्ट होना चाहिए, 4 पे एंड होना चाहिए, और 1 से स्टार्ट, 2 पे एंड। ग्रिड कॉलम इसका 1 पे स्टार्ट, 2 पे एंड, रिलोड। अब मैं इसको ग्रिड एरिया में कन्वर्ट करता हूँ। ग्रिड एरिया इन दोनों से थोड़ा सा आसान तरीका है, इस वजह से मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर यह भी जो मैंने सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, कॉलम स्टार्ट सॉरी रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड एंड कॉलम एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कुछ जितना मुझे चाहिए था वो अब कंप्लीट हुआ है। ग्रिड एरिया का मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड। और यहाँ पे मैं इसकी रो भी डिफाइन करता हूँ, रो इसकी होनी चाहिए 4 से स्टार्ट होनी चाहिए और 5 पे एंड होनी चाहिए, 4 पे स्टार्ट होनी चाहिए और 5 पे एंड। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो भी यही मतलब है, और 5 लिखता हूँ तो भी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर अब मैं इसको ग्रिड एरिया में लिखता हूँ, ग्रिड एरिया के लिए सबसे पहले मैं रो स्टार्ट और फिर कॉलम स्टार्ट, रो एंड और आखिर में कॉलम एंड, रिलोड, यही। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक लेआउट तैयार हुआ है। ऊपर हम इसमें एक लोगो लगा सकते हैं और कुछ एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, और साइड बार में हमें जो कंटेंट दिखाना है, और बॉक्सेस में हमें जो जो आर्टिकल या कुछ ब्लॉग्स दिखाने हैं ये सब हम बॉक्सेस में दिखा सकते हैं। और जो हमारा मेन सेक्शन है उसमें भी हम जितना कंटेंट दिखाना है वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। और फुटर में वैसे भी जो सोशल मीडिया के कुछ आइकन होते हैं, न्यूज़लेटर होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें फुटर में आती है। मगर ये जो है वो हमारा एक कंप्लीट लेआउट तैयार हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मीडिया क्वेरी के ज़रिए रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।